बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए नाम बनाएगा काम अपना विशेष कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से हम जानते हैं कि दिन कैसा रहेगा, यानी आपका नाम आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ए, आई, जे, क्यू या वाई अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, आज आप पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, यानी 18 जून 2021 की बात कर रहे हैं। इस दिन आपकी एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, वो आज आपसे पराजित होंगे, हारेंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी, के या आर अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, आपकी आमदनी बढ़ने के योग है, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, धन संबंधी मामलों में लाभ होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखना है, आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। अपने मन के विचार सबसे शेयर ना करें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं उन्हीं से अपने मन की बात कहिएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी, जी, एल या एस अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, यदि आपका नाम सी, जी, एल या एस अक्षर से शुरू होता है तो आज आपका पराक्रम और बढ़ेगा। जो काम अधूरे पड़े थे वो सब पूरे होंगे। अपने क्रोध को काबू में रखें, गुस्सा आपको परेशान कर सकता है, टेंशन दे सकता है। और हाँ, यदि कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम डी, एम या टी अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, अपने करीबी लोगों से मतभेद न बढ़ने दें, जो भी आपस में मतभेद हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करिए, और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। जो भी काम करना है सोच समझ करके डिसीजन लेना है। धन निवेश से आपके को लाभ होगा, बस उधार लेन देन से बचना है, ना किसी से पैसा उधार लेना है, ना किसी को देना है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। उधार लेन देन से परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच, एन, एक्स या ई अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, आपको अपने खर्चों में कंट्रोल रखना है, यानी खर्चों को नियंत्रण में रखना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में सुख और बढ़ेगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा। यदि रोग आपको परेशान कर रहे थे, आप बहुत दिनों से दवाई ले रहे थे, तो अब स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू, वी या डब्लू अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। आपके कार्यों के बीच में ईगो ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा, यानी अपने काम में ईगो ना आने दें, बिल्कुल विनम्र होकर के अपना काम करिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ईगो आएगी तो फिर ध्यान काम से भटकेगा, किसी और चीज़ में लगेगा। क्या करना है आपको, सुख सुविधाओं में आपका खर्च बढ़ेगा, तो बजट को ध्यान में रख कर के खर्च करिएगा। आपकी टेंशन जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वो दूर होगी। करियर में उन्नति के अच्छे योग हैं, उनका लाभ उठाइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ या जेड अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, धन लाभ के नए रास्ते आपके लिए बनेंगे। अपने समय को अपने काम पर लगाइए, यानी अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो काम में आ रही परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम पी या एफ अक्षर से शुरू होता है, यानी यदि आपका नाम एफ अक्षर से शुरू हो रहा है या पी अक्षर से शुरू हो रहा है,
तो कैसा रहेगा आपके लिए दिन। देखिए, अपने करियर पर ध्यान देने का समय है। करियर कैसे आगे बढ़े, क्या प्रयास करें जिससे कि आप उन्नति करें, उस पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, रास्ते बनेंगे। आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। करियर आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो नेचुरली करनी ही पड़ेगी, तो मेहनत को और बढ़ाने का प्रयास करिए। प्रॉपर्टी से संबंधित फैसले घर वालों की सलाह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, किसी भी प्रकार से विवाद में ना पड़े, विवादों से बचने का प्रयास करें, लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो नाम बनाएगा काम में, आज बस इतना ही। आपके नाम का बड़ा महत्व है, अपने नाम की गरिमा को बना करके रखिए और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी। करना क्या है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री कृष्ण। इससे आप देखेंगे आपको बड़ी राहत मिलेगी, भगवान कृष्ण की कृपा होगी। तो भगवान कृष्ण के नाम का 108 बार जाप कर सकते हैं, या जब भी समय मिले मन में जय श्री कृष्ण अवश्य जपते रहिएगा। हमारे साथ भी बोलिए जय श्री कृष्ण।